कैसा है? हाँ सर, बहुत मस्त तीखा है। जी सर, बस तीखा है, अच्छा लगा। जय जोहर संगवारी हो, मैं हूँ दीपक और आज मैं हूँ नीलम सराई वाटरफॉल के पास और उस साइड में हम खाना बना रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं चापड़ा चींटी को ढूंढने। मैं बोला भाई इतना दूर आए हैं तो चापड़ा चींटी का चटनी खाते हैं और उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और बस्तर में सबसे ज़्यादा फेमस है चापड़ा चींटी का चटनी। तो आज उसका पूरा रेसिपी भी बताएंगे और उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या प्रोसेस से चापड़ा चींटी को लाया जाता है, कैसे चटनी बनाया जाता है, वो सब चीज़ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो वो भाई हैं और वो चींटी ढूंढ डाले हैं। चींटी है इसमें भाई? है, है सर। चींटी है? है सर। उसको खोजते खोजते हम आ गए हैं एक पेड़ के पास और यहाँ पर जामुन के पेड़ में चापड़ा चींटी लटका हुआ है। देखिए भाई गए हुए हैं चींटी को निकालने के लिए। उस पेड़ के डाली में कुछ चींटी है और देखिए वो चींटी को निकालने का जो प्रोसेस है वो देखिए, वो पेड़ के जो ढहनी है उसको पूरा ले आए हैं। ये देखिए वो गिर गया। ये देखिए भैया के पूरा हाथ में पूरी चींटी ही चींटी हो गए हैं। तो ये इसमें से फिर चींटी का जो अंडा है उसे निकालते हैं, उसे ही खाते हैं। और देखिए भैया के हाथ में कितना सारा चींटी आ गया है और बहुत सारा चींटी काट भी रहा है। चींटी का अंडा है यहाँ पर, उसके बाद इसे लेकर जाएंगे फिर इसको चटनी बनाएंगे। देखिए जितना भी अंडा है उसे निकाल ले रहे हैं, फिर उसको लेकर जाएंगे, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको आगे दिखाता हूँ। भैया को बहुत ज़्यादा चींटी काट दिया है पर ये चींटी काटना भी फ़ायदेमंद है। वो चींटी को पकड़े हैं तो उनके हाथ में बहुत ज़्यादा स्मेल हो गया, उसको सूंघने से सर्दी है, बुखार है या मलेरिया है वो तक ठीक हो जाता है ना भैया? जी जी सर। इसका यूज़ आप लोग गांव में करते हैं भाई? जी गांव में करते हैं सर। अब दूर दूर के हैं, हाँ हाँ। हम आदिवासी क्षेत्र के हैं, हाँ हाँ। नहीं जा पाते हैं हॉस्पिटल, हाँ हाँ। इसी प्रकार का जड़ी बूटी का उपचार करते हैं। तो ये क्या क्या काम आता है ये चींटी? ये सर अभी इसको मैं मसला, हाँ, चींटी पकड़ा, हाँ, ऐसे रगड़ा, हाँ, अगर मेरे को सर्दी हुआ होगा मैं, हाँ, सूंघ लूंगा, हाँ, सर्दी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अच्छा। फिर बुखार पकड़ता है, हाँ, चींटी चबाने से ठीक हो जाता है, मलेरिया भी ठीक हो जाता है। अच्छा। इस प्रकार के छोटे छोटे बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। अच्छा। तो इसे आप लोग 12 महीना खाते हैं ये चटनी? जी सर। अच्छा। मतलब ये हल्दी, नमक, धनिया, मिर्ची और चींटी का अंडा आप देख सकते हैं यहाँ पर है। तो बनाइए भैया, बताते भी जाइएगा क्या क्या कर रहे हैं। ये है चापड़ा, हाँ, लाल चींटी, हाँ। इसको हम ऐसे डालते हैं, हम ये चींटी को या चापड़ा को लेके आते हैं, उसके बाद इसमें ऐसे बांध के लाते हैं, हाँ। लाने के बाद हम लोग आग जलाते हैं, आग में इसको डालते हैं। अच्छा। डालने के बाद ये पूरे चींटी मर जाते हैं, हाँ। मरने के बाद हम इसको, वहाँ कुछ कचरा है या साफ है, फिर उसको हम लोग साफ करते हैं। साफ करने के बाद ऐसे पत्थरों में हम लोग डालते हैं, हाँ। क्योंकि हम आदिवासी क्षेत्र के हैं, हाँ। बस्तर के हैं, ऐसे पत्थरों में डालते हैं। अब यहाँ हल्की सी हल्दी डालेंगे हम, हल्की सी हल्दी डालेंगे, हल्का सा नमक डालेंगे, उसके अनुसार जितना है उसके अनुसार नमक डालेंगे, फिर थोड़ी सी जो हमारे पास जो पर्याप्त मात्रा में है उसको डालेंगे। फिर हम आदिवासी क्षेत्र के हैं तो मिर्ची हम ज़्यादा खाते हैं, इस वजह से हम मिर्च पाउडर ज़्यादा डालेंगे। के बाद इसको इस तरह के पत्थर से हम लोग पीसते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप चापड़ा चींटी का चटनी बन रहा है। मार्केट में आप देखते होंगे, बहुत सारे मार्केट में जो ट्राइबल मार्केट है
वहाँ पर सिर्फ चापड़ा का अंडा बस मिलता है, पर चटनी अभी बंद है। और जैसे कि भैया बताएं, गांव के हैं, आदिवासी हैं, तो ये बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मिर्ची है। मैं थोड़ा सा टेस्ट करके बताऊँगा कि कैसा लगा। देख सकते हैं भैया अभी इसको एकदम चिकना कर दिए हैं, मुँह में भी पानी आ गया है भाई। क्या जी सर, जी सर। सर अभी ये बनने वाला है। सर आप भी टेस्ट कर लीजिए, ये हम किस तरह से करके हम इसको। जी सर, ये बन गया, ये बन गया। आप थोड़ा सा टेस्ट करिए कैसा है। हाँ सर, बहुत तीखा है। जी सर। अच्छा दोस्तों, मैं भी चापड़ा चींटी का चटनी लिया हूँ, थोड़ा सा टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा लगा। ये तो अभी टेस्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि हम लोग जंगल में घूमते रहते हैं, मच्छर काट रहा है, कीड़ा काट रहा है, पता नहीं क्या क्या काटता है, तो हम लोग को भी ये चीज़ खाना चाहिए। और ये दुनिया भर में फेमस है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेफ है, वो भी इस चटनी को अपने डिश में शामिल किया है। मैं टेस्ट करता हूँ, बहुत टाइम ले लिया हूँ। अरे वाह, सच में बहुत अच्छा है, सब थोड़ा सा तीखा है, अच्छा लगा। अच्छा नागेश भाई हैं, जब तक हम नहा रहे थे और जंगल में ये चापड़ा चींटी को खोज रहे थे, तब तक भाई जो हैं पत्ता तोड़ कर लेकर आ गए हैं और ये सब्जी बना दिए हैं और यहाँ पर चावल बना दिए हैं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद नागेश भाई। पत्ता तो धो रहे हैं खाने से पहले, खाने से पहले पत्ता को धो रहे हैं। आज के डिनर में अंडा का सब्जी है, दाल चावल और सलाद। तो अभी अभी हम चापड़ा चींटी का चटनी टेस्ट किए, अब उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या फायदे हैं। देखिए चापड़ा चटनी एक नाम है इसका। अगर हम बस्तर के बारे में बात करें तो बस्तर में लाल चींटी होता है, जो पेड़ में पत्तों के माध्यम से अपना घर बनाता है, उसी में अंडे देते हैं वो। चापड़ा चींटी की एक खासियत ये है कि बस्तर में अधिकांशतः लोग, अगर आपको मलेरिया हुआ है तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, जैसे आदिवासी कल्चर है यहाँ पर, ट्रेडिशनल जो है वो आदिवासी कल्चर है, तो अगर आपको मलेरिया हुआ है, बुखार है, तो लोग बहुत कम ही डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर मलेरिया है तो चींटी होता है, लाल चींटी, उनका एक घर होता है पत्तों का, वहाँ जाते हैं, उन चींटियों को लेकर अपने शरीर में डाल लेते हैं। जब वो काटते हैं तो उनसे एक तरल पदार्थ निकलता है, उससे आपका जो मलेरिया है वो लगभग ख़त्म हो जाता है। अगर आपको निश्चित अगर मलेरिया है तो आप चापड़ा चींटी कटवा लीजिए, अपने शरीर में मलेरिया ख़त्म हो जाएगा। ये मतलब मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये हकीकत है, आप चाहे तो आजमा सकते हैं। इसके अलावा आपके चापड़ा की चटनी है, लाल चींटी है, इसके अंडों के साथ इसकी चींटी की जो चटनी बनती है, आपके हाजमा के लिए भी अच्छा होता है, तबीयत ख़राब है आपका, मुंह में स्वाद नहीं आ रहा है, इसके साथ अगर आप खाना खा लेंगे ना तो आपका सारा चीज़ ठीक हो जाएगा, हाजमा के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप तबीयत ख़राब है आपका और मलेरिया है तो इस कटवा लेंगे, मतलब ये अभी शोध का विषय, आज भी शोध का विषय है कि बस्तर में चापड़ा जो चींटी मिलता है लाल चींटी, कि इसके कटवाने से आखिर बुखार कैसे ठीक होता है, आज शोध के विषय है। और ये वास्तविक चीज़ ये है कि इसके कटवाने से मलेरिया तक ठीक होता है। ये यहाँ के मार्केट में भी मिलता है? हाँ, मार्केट में आपको बस्तर में हर मार्केट में आपको लगभग मिलेगा आपको। अच्छा, ये जो हमारे साइड में भी मिलता है आम के पेड़ में, तो क्या उस चींटी से भी हम वो चटनी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उसमें जो अंडे होते हैं ना, चींटी के साथ साथ अगर अंडे साथ में हो तो ही उसकी उसका जो महत्ता है ना, तो ही ठीक है। आप सिर्फ चींटी को खाएंगे तो कोई मतलब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू। दोस्तों चापड़ा चींटी का चटनी कैसे बनाते हैं उसको पूरा प्रोसेस बता दिया हूँ। दोस्तों अगर आप अभी तक नहीं खाए हैं तो एक बार जरूर टेस्ट करें, और जो भी व्यूअर हैं जो खा चुके हैं चापड़ा चींटी, तो वो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को भी दबा लें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।